आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बद्दी में 50 झुग्गियां राख, जिंदा जला 9 साल का मासूम। पालमपुर में अब तक आगजनी की 72 घटनाएं। नगरोटा बगवा में खेतों से निकाला लापता महिला का शव। प्रदेश भर में गर्मी ने निकाले पसीने, सोलन में 34.5 डिग्री पहुंचा पारा। सूरज हत्या मामले में पुलिस कर्मियों की 29 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। बद्दी के तहत काठा में आग लगने से प्रवासी कामगारों की करीब 50 झुग्गियां राख हो गईं। इस अग्निकांड में एक 9 साल का मासूम भी जिंदा जल गया। दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और 100 से अधिक झुग्गियों को बचा लिया। इस दौरान एक झुग्गी में सो रहा मासूम आग की चपेट में आ गया। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन भयंकर लपटों के कारण कोई भी बच्चे तक नहीं पहुंच पाया। आगजनी की घटना में लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है, जबकि 1.5 करोड़ की संपत्ति को बचा लिया गया। जाना जाएगी कि आग कैसे लगी है, उसके लिए हम एफएसएल टीम को बुला रहे हैं। जो भी लीगली कार्रवाई बनती है उसमें वी आर गोइंग टू ऑन इट, जो कार्रवाई बन रहा है पुलिस का इंस्पेक्शन करा रहे हैं जिस दिन। उधर कांगड़ा के इंदौरा में अरनी यूनिवर्सिटी के समीप एक घर जलने और 3 मवेशियों के जलकर मरने की सूचना है। पालमपुर क्षेत्र में भी पारा बढ़ने के साथ अधिकतर जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वन मंडल अधिकारी पालमपुर बीएस यादव के अनुसार पालमपुर क्षेत्र में मार्च माह में आग की 2 घटनाएं सामने आई थी, जिससे करीब 11 हेक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ था। अप्रैल माह में यह आंकड़ा बढ़कर 17 तक जा पहुंचा। इस दौरान कुल 71.5 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ, इसमें करीब 97,000 रुपए का नुकसान हुआ। 23 मई तक क्षेत्र में आग लगने की कुल 72 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 316 हेक्टेयर वन भूमि के साथ कुल करीब 385 हेक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ है। इसमें हमारी 15 टीमें जो हैं वो ब्लॉक लेवल पे बनी हैं, जिसमें 4-4 गार्ड हैं और करीब इतने ही हमारे वनकर्मी हैं। और वो जहाँ भी आग लगती है तो मेरा जो आदेश है उनको कि आप जो है इकट्ठे जाएं ताकि आग के ऊपर काबू किया जा सके। नगरोटा बगवा में स्थानीय पुलिस तथा केंद्रीय जांच विभाग की संयुक्त कार्रवाई से 2 साल पहले हुई महिला की हत्या मामले की बड़ी परतें अब खुलकर सामने आ गई हैं। 29 जुलाई 2016 को हत्या करके खेतों में दबाए गए महिला के शव को क्षत विक्षत स्थिति में गुरुवार को पुलिस ने खोज निकाला। दिसंबर 2016 में शाहपुर से ठानपुर ब्याही 44 वर्षीय महिला की हत्या के आरोप में दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए विभाग ने बुधवार को महिला के पति तथा उसके एक संबंधी को हिरासत में ले लिया था। विभागीय तफ्तीश में सामने आया था कि आरोपियों ने महिला को ग्राम पंचायत चाहड़ी के नियाडा गांव के खेतों में दफना दिया था। आरोपियों को गुरुवार को कांगड़ा की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। पहले हमने इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया, जो कि पॉलीग्राफ टेस्ट में बहुत ज्यादा हमारे को साक्ष्य तो नहीं मिले, लेकिन उसमें कुछ क्लूज को और हमने वर्क अपॉन किया। इन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए इसमें जो लास्ट सीन पर्सन था वो भी इनके हस्बैंड ही लास्ट सीन आ रहा था। और देन फिर हस्बैंड की हमने सीडीआर को स्टडी किया, उस सीडीआर की स्टडीज के बेस के ऊपर हमको थोड़ा शक हुआ और शक के ऊपर हमने वर्क करते हुए उन साक्ष्यों को और पुख्ता किया और दरियाफ्त पूछताछ की, और उसके बाद हम ये 2 आरोपियों तक सफल हुए पहुँचने में। महिला के हत्या करके शव को खेतों में दफनाए जाने के मामले से हर कोई सहमत है, क्योंकि ये मामला सरकार के संज्ञान में आया था और सीआईडी ने बहुत ही मुस्तैदी से एक ही साल के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर की अनसुलझी गुत्थी को सुलझा लिया। लेकिन उन लोगों का यह भी मानना है कि हर अपराध के मामले में
प्रशासन की ओर से इसी तरह तत्परता बरती जाए ताकि लोगों में कानून का खौफ बना रहे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नगरोटा बगों से राजीव सूद की रिपोर्ट। आग बरसाती सूरज की किरणों ने सोलन के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। पिछले चार दिन से चढ़ते पारे ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। गुरुवार को भी जिला में ऐसा ही आलम रहा। लोगों के उठने से पहले ही सूर्य देव ने अपना तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे पारा भी रफ्तार पकड़ने लगा, जो 34.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। गर्मी से दोपहर के समय बाजार भी सुनसान नजर आए और जो लोग जरूरी काम के लिए बाजार निकले थे वे भी छाते की ओट तले तेज धूप से बचते नजर आए। यही हाल प्रदेश के दूसरे जिलों का भी है। मैदान तो मैदान, पहाड़ भी इस गर्मी से अछूते नहीं है। प्रदेश के दूसरे भागों से भी तेज गर्मी पड़ने की सूचना है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। लोग दिन में बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। भारत की प्रथम महिला फाइटर जेट पायलट अवनी चतुर्वेदी ने पांवटा साहिब गुरुद्वारा में शीश नवाया। अपने 5 पायलट साथियों के साथ वह अचानक ही पांवटा साहिब पहुंची। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पांवटा साहिब के मैनेजर सरदार कुलवंत सिंह चौधरी ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सिरोपा भेंट कर उनको व उनके साथियों को सम्मानित किया। रॉरिक आर्ट गैलरी में सजी प्रदर्शनी में सैलानी एक ही छत के नीचे पूरा हिमाचल देख रहे हैं। शिमला से आए चित्रकार डॉक्टर चमन शर्मा की इस प्रदर्शनी को जहां सैलानी काफी पसंद कर रहे हैं, वहीं चित्रकार द्वारा कैनवास पर हिमाचल की खूबसूरती को इस कदर उतारा गया है कि हर कोई इनके चित्रों का कायल हो गया है। चमन शर्मा ने बताया कि इससे पहले वे देश के कई राज्यों में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगा चुके हैं। इनमें कोलकाता, मुंबई, लखनऊ व दिल्ली शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रॉरिक आर्ट गैलरी कला प्रेमियों का वह स्थल है जहां विश्व भर से कोई ना कोई कला प्रेमी आपको मिलेगा ही। यहां पर मेरा जो शो है ये 5वां शो है, सोलो एग्जीबिशन मैंने लगा रखी है। अक्सर मैं यहां पे आता रहता हूं। इस एग्जीबिशन में मैंने डिफरेंट मीडियम को लाने की कोशिश कर रखी है। बिफोर कमिंग ओवर हियर आई हैव डन माय PhD इन विजुअल आर्ट्स फ्रॉम HP यूनिवर्सिटी और इसके अलावा मैंने मास्टर डिग्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रखा है और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में मेरी एग्जीबिशन लगती रहती है। हिमाचल के बहुचर्चित कोटखाई छात्रा गैंगरेप मर्डर प्रकरण से जुड़े सूरज हत्याकांड के आरोपी पुलिस कर्मियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। आरोपियों को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। DSP मनोज जोशी को बीमार होने के कारण अदालत में पेश नहीं किया जा सका। IG जैदी की ओर से संतरी की कॉल डिटेल मांगी गई है। ऐसे में सभी आरोपियों को अब 29 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। और अब खास खबर ऊना में कुत्तों के आतंक पर। जिम्मेवार एजेंसियों के दावों पर गौर करें तो कहीं कोई कुत्ता आवारा ना मिले। पशुपालन विभाग और स्थानीय निकायों का सीधा सा जवाब होता है, नसबंदी कर दी। जब नसबंदी कर दी तो संख्या क्यों बढ़ी? खैर, कुत्तों के आतंक से जिला ऊना भी कम परेशान नहीं। हर सप्ताह कुत्तों के काटने के करीब 1 दर्जन मामले क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंच रहे हैं। पशुपालन विभाग के एक अनुमान के अनुसार ऊना शहर में ही 200 आवारा कुत्ते हैं, जबकि हर पंचायत में 50। शहर की रोटरी स्ट्रीट में आवारा कुत्तों का सबसे ज्यादा आतंक है। कोई भी बच्चा या बुजुर्ग अकेले घर से बाहर नहीं निकलता। बंगाणा उपमंडल के एक गांव में कुत्ते के काटने से एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। आवारा कुत्तों का समय पर टीकाकरण ना होने से इनमें पागलपन जैसी अन्य बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक राकेश भट्टी का कहना है कि आवारा कुत्तों की नलबंदी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर परिषद व पंचायतों के सहयोग की आवश्यकता है। विभाग के पास नलबंदी के सभी उपकरण मौजूद हैं। हिमोत्कर्ष ITI की टीचर नीलम शर्मा का कहना है कि आवारा कुत्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। आते जाते वक्त हर समय कुत्तों का भय मन में बना रहता है। जिला प्रशासन को इस समस्या का समाधान प्राथमिकता पर करना चाहिए। जब हम सुबह आते हैं रोटरी स्ट्रीट में जाते हैं, हमारा यहीं पे ऑफिस है हिमोत्कर्ष, जब आते हैं तो कुत्तों के झुंड बने होते हैं, वो मतलब हमारे पीछे भागते हैं।
तो उनसे हम चाहते हैं कि निजात मिले और प्रशासन के लिए जो भी पशुपालन विभाग है वो उसके लिए चाहते हैं इन कुत्तों पे कंट्रोल करे कुछ और मतलब। शहर के समाज सेवी एवं सेवानिवृत्त अध्यापक कर्णपाल मनकोटिया का कहना है कि रेलवे स्टेशन बस स्टैंड शहर के हर मोहल्ले में आवारा कुत्तों का आतंक है। हर जगह कुत्तों के झुंड जो हैं वो आम देखे जा सकते हैं और ये कुत्ते जो हैं इनमें से क्या पता है कौन सब कुत्ता पागल है वो किसी बच्चे को काट दे किसी को काट दे तो उससे वो कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो प्रशासन को कमेटी को इसके बारे में कदम उठाने चाहिए ताकि इन कुत्तों को कम से कम या तो कंट्रोल किया जाए इनको पकड़ के जंगलात डिपार्टमेंट कहीं रखे कि या क्या हो सकता है इनको दवाई डाली जाए। ये जो है कुत्तों का ऊना में आजकल जैसे आतंक है ऐसा वातावरण बन गया है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब चलते चलते पांवटा के अजोली में व्यक्ति ने खुद को मारी गोली जख्मी। चुवाड़ी में आईपीएच विभाग की पाइप में दौड़ा करंट फीटर को लगा झटका। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग ने ड्राइंग मास्टर का फाइनल रिजल्ट किया घोषित। हिमाचली तड़का में सोलन की वादियों में फिल्माया रोहित ठाकुर की आवाज में यह लोकगीत। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।